नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी हाउस में। अपने पिछले वीडियो में हमने जाना था कि अगर आपके हाथों में पांचों उंगलियों में इस तरह से अगर चक्र हो तो क्या होता है, पर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमारी चारों उंगलियों में चक्र हो लेकिन अगर अंगूठे में चक्र नहीं हो तो क्या करना चाहिए। तो आइए समझते हैं। ऐसे पर्सन जो हैं शांत ईमानदार होते हैं और इनके मन बहुत प्योर एंड पायस टाइप के पर्सन समझना चाहिए हमें। ऐसे पर्सन्स बहुत शांत स्वभाव के होते हैं और उनके जो है जैसे कहना चाहिए कि नाराज़गी कम दिखाते हैं वो, और साथ ही साथ में ऐसे लोग की ये समझना चाहिए कि जॉब बहुत अच्छी होती है, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस भी बने रहते हैं, और साथ में इनके जो फ्रेंड सर्कल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव होते हैं इनके। अगर लेडी होती है तो वो एजुकेटेड होती है, उसके साथ में समझना चाहिए कि बहुत लॉ एंड ऑर्डर वाली लेडी, बहुत कायदे से चलने वाली लेडीज़ होती हैं। ऐसे लोगों के लिए शादी में कोई समस्या नहीं आती है, मैरिड लाइफ अच्छी रहती है। और ऐसे लोग लाइफ में लेकिन थोड़ा सा इनके अंदर ये चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि जो जैसा चल रहा था उसको वैसे ही चलने दें, चेंजेस कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इनमें थोड़े से गुण कम क्यों ना हो लेकिन ये दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटते, आगे से आगे बढ़ के दूसरों की हेल्प करना जानते हैं ये। और ऐसे लोग अपने कठोर परिश्रम से आगे बढ़ते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मिलनसार भी होते हैं। ऐसे लोगों के बारे में ये कहना चाहिए कि ये बहुत भाग्यशाली होते हैं लव अफेयर्स के मामले में, और साथ ही साथ बहुत कायदे से चलते हैं तो लाइफ में लकी रहते हैं। अब जानते हैं इनके लकी ईयर्स के बारे में। इनके लकी ईयर्स रहते हैं 24, 36, 42, 48 की लाइफ जो ईयर्स हैं उनमें इनको लाइफ में मेजर चेंज देखा जा सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कुछ साल इनके अच्छे नहीं रहते, जैसे कि 15, 21, 33 ऐसे वर्ष अशुभ रहते हैं, तो इनको सतर्क रहना चाहिए। और ये कहना चाहिए कि ऐसे जिसके हाथ में इस टाइप से चार उंगलियों में अगर लूप बनता है और एक में ऐसे चक्र बनता है और एक में ऐसे बिना चक्र का या बिना लूप का होता है, प्लेन जैसे ऐसी सिर्फ ऐसी लाइंस होती हैं, तो ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। तो आप सब लोग अपने हाथों में चेक करिए। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इंक पैड लेके आप अपना जैसे हैंड इम्प्रेशन लेते हैं, ऐसे थंब फिंगर्स पांचों फिंगर्स का लीजिए और जज करिए कि आपने अपने हाथ में क्या पाया। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छा सोचें, अच्छे कर्म करें तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। धन्यवाद।